ओके गाइस, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टेंस। हमने आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस किसे बोलते हैं, पास्ट टेंस किसे बोलते हैं और फ्यूचर टेंस किसे बोलते हैं। तो आपको टेंस की डिफिनेशंस क्लियर हुई, टेंस किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं आपको मालूम हो गया। अब हम आते हैं कि जब टेंस हमें क्लियर हो गया है तो टेंस में भी अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। कुछ रनिंग पीरियड्स में है, कुछ काम पूरा हो चुका है और कुछ होने वाला है, इस कंडीशन में होते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन क्या होता है, इनडिफिनिट होता है। इनडिफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। अनिश्चित टेंस होता है। तो प्रेजेंट का अनिश्चित टेंस यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस बोलते हैं गाइस। तो प्रेजेंट इनडिफिनिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट एक्सप्रेस व्हाट गोज ऑन एट द प्रेजेंट मोमेंट बट इट्स नॉट एग्जैक्ट टाइम इज इट्स एग्जैक्ट टाइम इज नॉट डिफाइंड। क्या बता रहे हैं कि वर्तमान में इनडिफिनिट टेंस किसे कहते हैं, वह कार्य जो वर्तमान में चल रहा हो लेकिन उसका निश्चित समय मालूम ना हो। बताया जाता है वह जाता है, जाने का समय क्या है नहीं पता, लेकिन कार्य होता तो प्रेजेंट में ही है। तो जिससे निश्चितता न ज्ञात हो उसी को हम क्या कहते हैं, इनडिफिनिट कहते हैं। इसीलिए इनडिफिनिट की हिंदी क्या होती है, अनिश्चित होती है। जिस टेंस से किसी निश्चित अवधि का पता नहीं चलता है लेकिन कार्य वर्तमान में है इसका पता चले, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस कहते हैं। आते हैं हम इसके स्ट्रक्चर्स पर। स्ट्रक्चर में सबसे पहला सेंटेंस क्या हो जाता है आपका, प्रेजेंट इनडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है गाइस, हम अफर्मेटिव को अलग अलग शब्दों में डिफाइन करते हैं। कहीं अफर्मेटिव लिखा जाता है, कहीं पॉजिटिव लिखा जाता है, कहीं सिंपल सेंटेंस लिखा जाता है। तो आपको अफर्मेटिव पढ़ना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है आपका, व्हेन एनी काइंड्स ऑफ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वर्ड वेयर नॉट कम इन द सेंटेंसेस देन वी शैल नो इट इज प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस। हमको अगर कहना हो कि हम कैसे जानेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो कह सकते हैं कि व्हेन एनी काइंड्स ऑफ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वर्ड्स नॉट विल नॉट कम इन द सेंटेंसेस देन वी शैल नो इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में किसी भी प्रकार का नकारात्मक अथवा प्रश्नवाचक शब्द नहीं आता है, याद रहे शब्द नहीं आता है। कुछ लोग करते क्या है, जिस वाक्य में किसी भी प्रकार का प्रश्नवाचक अथवा नकारात्मक वाक्य नहीं आता, वाक्य नहीं आता गाइस, वाक्य में शब्द आता है, क्योंकि शब्दों से मिलके ही वाक्य बनता है, इसलिए वाक्य में क्या आता है, शब्द आता है। जिस वाक्य में किसी भी प्रकार का नकारात्मक अथवा प्रश्नवाचक शब्द नहीं आते हैं हम उसे क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। तो साधारण वाक्य में हमने स्ट्रक्चर बनाया है आपका क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट तो आप जानते ही हैं, कार्य को करने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या पढ़ना होता है, वर्ब। अब वर्ब के साथ हमारे पास समस्या बनती है कि एक जगह यस या ईएस लग रहा है, तो वर्ब का यस और ईएस फॉर्म कहाँ लगता है वो हम आपको नीचे बता रहे हैं। उसके बाद क्या लिखना है आपको, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद वाक्य में जो कुछ भी बसता है, जिसे आप कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, एक्सेट्रा भी बोलते हैं, हिंदी में आप इत्यादि बोलते हैं, तो अलग अलग ढंग से इसको आप जानते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस यस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। नाउ क्वेश्चन इज दैट वेयर टू यूज द यस और ईएस एंड वेयर टू यूज वर्ब फर्स्ट। अब समस्या बनती है कहां पर यस ईएस का प्रयोग करते हैं और कहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो नाउ गाइस जस्ट बी क्लियर अबाउट दैट, मैंने बताया है कि मैं एक एक चीजों पर ध्यान दूंगा, आपको एक एक चीज बताऊंगा, एक एक बारीक से बारीक चीजें बताऊंगा, लेकिन उसे आप रिपीट कीजिए अपने एग्जाम के लिए, अपने माइंड में फीड कर लीजिए, बिकॉज योर माइंड फीड अप इज ऑलवेज रनिंग प्रॉपर। तो क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट रूल होता है कि एस और ई एस इज यूज्ड विद द सिंगुलर नंबर। यस और ई एस का प्रयोग हम हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, जिससे एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो, सिंगुलर नंबर कहलाता है ना। अब उसके साथ हम क्या करते हैं, वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं, लेकिन यस और ईएस इज नॉट यूज्ड विद द प्लूरल नंबर। यस या ईएस का प्रयोग हम प्लूरल नंबर के साथ नहीं करते, वहां पर हम हमेशा क्या यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे भैया एक माँ
अपने जीवन से अधिक अपने बच्चों को प्रेम करती है। नाउ जस्ट गाइस माइंड अबाउट दिस वन, एक माँ अपने जीवन से अधिक अपने बच्चों को प्रेम करती है, तो मदर इज आफ्टर ऑल मदर, आफ्टर ऑल मदर माँ तो माँ होती है भाई, माँ की तुलना कोई नहीं कर सकता। तो सी इज द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड एंड डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। माँ सबसे अच्छी रचना है इस दुनिया की, भगवान के द्वारा बनाई हुई सबसे अच्छी कृति। तो माँ, एक माँ अपने जीवन से अधिक अपने बच्चों को प्रेम करती है। अब हमें समस्या होती है कि हम इसमें सब्जेक्ट कैसे ढूंढें। तो मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी विल आस्क ए क्वेश्चन विद हु, व्हाट एवर वी विल गेट द वर्ड दैट इज द सब्जेक्ट। हम कौन लगाकर प्रश्न करने पर जो वर्ड हमें मिलता है, जो शब्द हमें मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। देखिए, अपने जीवन से अधिक अपने बच्चों को प्रेम कौन करता है? अपने जीवन से अधिक अपने बच्चों को प्रेम कौन करता है? एक माँ करती है। अगर एक माँ करती है तो यानी कि एक माँ ही जो हो गया वह सब्जेक्ट हो गया। तो क्या कहेंगे, अ मदर करती क्या है भैया? हम आप देख लीजिएगा, अ मदर सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट लिखने के बाद माँ क्या करती है? प्रेम करती है ना। क्या लगाकर क्वेश्चन किए तो हमें वर्ब मिल गया, क्या करती है? प्रेम। तो अ मदर लव, लव हो गया, बिकॉज मदर इज अ सिंगुलर नंबर। माँ क्या है? एक वचन है। तो आपने लिखा क्या है? एक वचन के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं, तो मदर लव्स। हमने इसमें क्या जोड़ दिया? यस। तो मदर लव्स किसको? अपने बच्चों को। हर चिल्ड्रेन, मदर लव्स हर चिल्ड्रेन। माँ अपने बच्चों को प्रेम करती है, किस कैसे करती है? अपने जीवन से अधिक। मदर लव्स हर चिल्ड्रेन मोर देन हर लाइफ। ठीक है, जैसे मेरा भाई मेरे लिए उपयोगी किताब लाता है, ठीक है, मेरा भाई मेरे लिए उपयोगी किताब लाता है, तो कौन लाता है किताब? मेरा भाई लाता है। मेरा भाई लाता है तो हम क्या बताते हैं? माय ब्रदर। क्या बताते हैं? माय ब्रदर। अब ब्रदर क्या है? एक वचन है, तो लाने की इंग्लिश क्या होती है? ब्रिंग। माय ब्रदर ब्रिंग्स क्या? उपयोगी किताब, यूजफुल बुक। माय ब्रदर ब्रिंग्स यूजफुल बुक किसके लिए ला रहा है? मेरे लिए। तो क्या हो जाएगा? फॉर मी। क्या हो जाएगा भैया? फॉर मी। इज दैट क्लियर? आई होप यू हैव गॉट द पॉजिटिव सेंटेंस। गेस कीजिएगा, अगर सेंटेंस में आपको ज़्यादा समस्या समझ में आती है तो वी हैव टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट वी विल हैव टू स्टार्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम हियर। आप वर्ब को शुरू कीजिए, लास्ट से सेंटेंस को बनाना शुरू कीजिए। जैसे मैंने क्या लिखा, एक माँ अपने जीवन से अधिक अपने बच्चों को प्रेम करती है, कई टुकड़ों में बट रहा है ना, एक माँ अपने जीवन से अधिक अपने बच्चों को प्रेम करती है, तो कौन माँ प्रेम करता है? माँ करती है। तो माँ की इंग्लिश क्या होती है गाइस? मदर होती है। तो अ मदर क्या करती है? प्रेम करती है। प्रेम की इंग्लिश क्या होती है? लव, लव्स। अब माँ क्यों हो जाएगा? सिंगुलर नंबर है इसलिए लव्स हो गया। तो मदर लव्स किसको लव्स करती है भैया? अपने बच्चों को। देखिए, पहला सब्जेक्ट लिखने के बाद हमने प्रेम लिखा, फिर पीछे से आगे बढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को, हर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को हर चिल्ड्रेन कैसे कर रही है? अपने जीवन से अधिक, मोर देन किससे? अपने जीवन से, हर लाइफ। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगर सेंटेंस लंबा हो जा रहा है, आपको प्रॉब्लम होती है, तो सब्जेक्ट चूज कीजिए और पीछे से ट्रांसलेशन करते हुए आगे की तरफ बढ़ते आइए, सेंटेंस ऑटोमेटिकली क्लियर होता चला जाएगा। अगर अगर सेंटेंस को घुमाया नहीं गया है तो
अगर गुमराह नहीं किया गया है तो आप पीछे से आगे की तरफ बढ़ते आएंगे तो सेंटेंस एग्जैक्ट हो जाएगा, प्रायः सेंटेंस ऐसे ही बनेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग किसकी तरफ, निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो आज गाइज हमें पूरी तरह से श्योर्ड कर लेना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, एकदम बारीक से बारीक चीज़ों को, छोटी से छोटी चीज़ों को अच्छे से कंसंट्रेट कीजिए और आप डेफिनेटली कर सकते हैं। गाइज यू हैव अ कैपेबिलिटी, केवल अपने आप पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। तो अब हम लोगों की बारी आती है किस चीज़ की, निगेटिव सेंटेंस की आती है गाइज। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो निगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है कि व्हेन एनी काइंड्स ऑफ निगेटिव वर्ड्स विल कम इन द सेंटेंस देन वी शैल नो इट इज निगेटिव सेंटेंस। जब वाक्य में किसी भी प्रकार का नकारात्मक शब्द आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। गाइज ऑलवेज बी एक्टिव, जस्ट माइंड ऑन योर सेल्फ एंड फोकस योर स्टडी। क्या होता है कि जब वाक्य में किसी भी प्रकार का नकारात्मक शब्द आता है तो उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। चलिए नकारात्मक वाक्य पे आ जाते हैं हम लोग। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, होता क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नाउ गाइज जस्ट माइंड द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो नाउ वी हैव टू कंफ्यूजन हियर, डू और डज, जब भी एक ही सेंटेंस में एक से अधिक सहायक क्रियाएं होती हैं तो समस्या हमारे लिए बनती है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जब एक सेंटेंस में एक से अधिक सहायक क्रिया होती है तो हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस के एक्सेप्शन को पहले निकाल लेते हैं, उसके अपवाद को क्लियर करते हैं कि किसके साथ क्या लगेगा। जैसे घर में अगर दो लड़के होते हैं और खुदा न खास्ता, ऐसा ईश्वर ना करें, ऐसा ना हो किसी के यहाँ, लेकिन अगर किसी कारणवश घर में विवाद हो जाता है तो क्या होता है, दो हिस्से बनते हैं ना, तो एक दूसरे को दे दिया जाता है। उसी तरीके से जब एक ही टेंस में सहायक क्रियाएं एक से अधिक हो जाती हैं तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं कि किसके साथ कौन रहेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या होता है, डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा। ठीक है, डज इज यूज्ड विथ सिंगुलर नंबर क्या हो जाता है, डज इज यूज्ड विद द सिंगुलर नंबर। डज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ किया जाता है, एक वचन मतलब ही सी इट और किसी का नाम। डज का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, एक वचन के साथ करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ही सी इट और किसी का नाम एक वचन कहलाता है। तो ही सी इट और किसी के नाम के साथ हम क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, डू इज यूज विथ प्लूरल नंबर, डज इज यूज विद द, डू इज यूज विद द प्लूरल नंबर। भाई सिर्फ सीधी सी बात है कि अगर बंटवारा हो रहा है तो अगले के खिलाफ ही हम जाएंगे, जब अगले के खिलाफ गए हैं और ये एक वचन से के साथ यूज हो रहा है तो ये बहुवचन के साथ यूज होगा। ठीक है, अब बहुवचन क्या होते हैं, आई यू वी दे जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुवचन कहलाते हैं, अर्थात आई यू वी दे के साथ डू और ही सी इट और किसी के नाम के साथ डज का प्रयोग करते हैं। जैसे ज्योतिषी मेरे घर नहीं आता है, ठीक है, ज्योतिषी मेरे घर नहीं आता है। गाइस कौन नहीं आता है, ज्योतिषी। ज्योतिषी की इंग्लिश क्या होती है, एस्ट्रोलॉजर, क्या होती है, एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर इज अ सिंगुलर नंबर, एस्ट्रोलॉजर क्या है, एक वचन है, तो एस्ट्रोलॉजर डज नॉट करता क्या है, आता है, कम
डज नॉट कम कहाँ आता है? मेरे घर। अब मेरे घर आएगा तो घर के अंदर तो नहीं आएगा, घर के बाहर आएगा, इसलिए क्या करेंगे, घर के लिए हो जाएगा घर पर। तो एस्ट्रोलॉजर डज नॉट कम एट माई होम या फिर हाउस, ठीक है। जैसे प्रधानाचार्य आपको नहीं समझाते हैं, प्रधानाचार्य आपको नहीं समझाते हैं तो कौन नहीं समझाते भैया? प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य की इंग्लिश क्या होती है? हाँ बताइए, प्रधानाचार्य की इंग्लिश क्या होती है? क्लियर है ना, क्या होता है? प्रिंसिपल। हाँ प्रिंसिपल होता है, क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या करता है भैया? नहीं समझाते हैं। नहीं समझाने का ऑप्शन निगेटिव वर्ड बन रहा है तो प्रिंसिपल सिंगुलर नंबर है तो क्या लग जाएगा? डज। प्रिंसिपल डज नॉट क्या करते हैं? आपको समझाते हैं। समझते तो अंडरस्टैंड हो जाता था, अंडरस्टैंड मतलब समझना, और जब समझाने की बात होती है तो मेक अंडरस्टैंड, पॉजिटिव वर्ब यूज कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल डज नॉट मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। प्रिंसिपल डज नॉट मेक यू अंडरस्टैंड, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ मेक अ नोट ऑफ इट एंड रीड इट प्रॉपर गाइज, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ओनली यू हैव टू फोकस ऑन इट एंड इट विल बी डेफिनेटली क्लियर। सो नाउ अब अगला नंबर किसका आता है हमारा? हमने पॉजिटिव पढ़ लिया, निगेटिव पढ़ लिया, साधारण वाक्य किसे कहते हैं आपने जाना, नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं आपको बताया गया। अब आती है बारी किसकी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अगर इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव माने क्या होता है? प्रश्न सूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं गाइस? जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो उसे ही प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। तो हम क्या करते हैं प्रश्नवाचक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्टली हम क्या करते हैं? क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क्स। नाउ जस्ट माइंड अबाउट द सेंटेंसेस गाइस, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc as like आप अपना पार्ट कब याद करते हो? ओके गाइज, आप अपना पार्ट कब याद करते हो? तो जस्ट कंसंट्रेट अबाउट योर स्टडी, आप अपना पाठ कब याद करते हो? हम कैसे जाने के प्रश्नवाचक वाक्य है? जहां सेंटेंस में भाव बनता है प्रश्न पूछने का, यानी कि वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव जहां से उत्पन्न होता है वही सेंटेंस आपका, वही वर्ड आपका क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक वर्ड कहलाता है। तो यहां देखिए, आप अपना पाठ कब याद करते हैं, यहां तक आप आइए, आप अपना पाठ याद करते हैं, प्रश्न पूछा गया नहीं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि आप अपना पाठ कब, कब माने हम पूछने लग गए कि कब याद करते हैं, यानी कि यही आपका कब जो है क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। जब क्वेश्चन वर्ड कब है तो कब की इंग्लिश क्या होती है? वेन। अब उसके बाद आप क्या है? बहुवचन है। बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं आप? डू। वेन डू यू क्या करते हैं आप? याद करते हैं। याद करने की इंग्लिश क्या होती है गाइस? लर्न। वेन डू यू लर्न क्या लर्न करते हैं आप? योर लेसन। When do you learn your lesson? Just now, mind about this one. Guys, I'm telling you, I'm making you understand in Hindi ways because someone is not getting in English to English. That's why it's my compulsion to tell you in both ways, right? In English or in Hindi. So now just mind about that.
वेयर टू यूज द क्वेश्चन वर्ड दैट मस्ट बी रिटन इन द बिगनिंग, जहां से क्वेश्चन वर्ड बनता है, जहां से प्रश्नवाचक शब्द का भाव उत्पन्न होता है, उसी को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहां पूछा गया कब याद करते हो, कब यहीं से और आना, तो हम सबसे पहले कब की इंग्लिश क्या लिखते हैं, वेन। उसके बाद क्या है, आप क्या है, बहुवचन है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, डू। वेन डू यू, क्या करते हैं आप, याद करते हैं, याद करने की होती है इंग्लिश लर्न। फिर क्या याद कर रहे हैं, अपना पार्ट, वेन डू यू लर्न योर लेसन, ठीक है। जैसे वह मेरे घर पैदल क्यों आती है, ओके गाइस, वह मेरे घर पैदल क्यों आती है, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, क्यों, क्यों है, तो हम बिना सोचे समझे क्यों की इंग्लिश क्या लिखते हैं, वाई। फर्स्टली वी हैव टू नोट डाउन वाई, एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर, देन हेल्पिंग वर्ब वुड बी डज, वाई डज सी, वाई डज सी करती क्या है, आती है, वाई डज सी कम, कैसे आती है, ऑन फुट, वाई डज सी कम ऑन फुट, कहां आ रही है, एट माई होम, इज दैट क्लियर। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। गाइज इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है आपके सामने, कभी कभी क्या होता है कि इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले आता है, इंट्रोगेटिव वर्ड में अगर क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आ जाता है तो वाक्य को हम प्रश्नवाचक शब्द से ना शुरू करके हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। जैसे क्या पिताजी रामायण पढ़ते हैं, क्या पिताजी रामायण पढ़ते हैं, तो नाउ जस्ट माइंड अबाउट क्या, क्या सबसे पहले आ गया है, तो क्या की इंग्लिश हम न लिख करके पिताजी के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया लगाते हैं तो क्या हो जाता है, डज, डज पिताजी यानी कि फादर, डज फादर पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड, क्या पढ़ते हैं भैया, द रामायण, इज दैट क्लियर। नाउ जस्ट रीड इट and just give me your instructions, give me your presentation that you are watching videos, you are reading here, so just definitely you must send the comments in comment box, you should be reply here. So now अब आती है बारी किसकी, interrogative negative sentence की। इस वाक्य के हम आखिरी चरण पे चल रहे हैं, interrogative negative sentence यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब आते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य पे, तो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य क्या होता है गाइस, उसको देखते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड, एंड आफ्टर दैट डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस Not plus verb first plus object plus etc after that question marks. Now guys just mind about the negative sentence. When any kinds of negative and interrogative word will come in the sentences then we shall know it is interrogative negative sentence. जब वाक्य में किसी भी प्रकार का प्रश्नवाचक और नकारात्मक शब्द आता है तो हम उसे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे वे मैदान में रस्सा कसी क्यों नहीं खेलते हैं, वे मैदान में रस्सा कसी क्यों नहीं खेलते हैं, तो गाइस फर्स्टली वी हैव टू गॉट द क्वेश्चन वर्ड वाई, आफ्टर दैट क्या है, वे क्या है, प्लूरल नंबर है तो क्या लगेगा, डू, वाई डू दे, आफ्टर दैट नेगेटिव वर्ड नॉट, वाई डू दे नॉट करते क्या है, खेलते हैं, वाई डू दे नॉट प्ले, खेल क्या रहे भैया, रस्सा कसी, रस्सा कसी इट मीन्स टैग एंड वॉर, टैग एंड वॉर, दे डू नॉट प्ले, टैग एंड वॉर कहाँ खेलते हैं भैया,
इनफील्ड, दे डू नॉट प्ले टैग एंड वॉर इन फील्ड। जैसे हम छत पर क्यों नहीं टहलते हैं? हम छत पर क्यों नहीं टहलते हैं? तो सबसे पहले में क्या करना है, कौन क्यों नहीं टहलते हैं, तो क्यों आ गया आपका पहले why, उसके बाद हम क्या है प्लूरल नंबर, तो क्या लग जाएगा do, why do, उसके बाद हम की इंग्लिश क्या होती है गाइस we, why do we, उसके बाद नेगेटिव वर्ड not, why do we not क्या करते हैं टहलते हैं, टहलने की इंग्लिश walk, why do we not walk, कहां पर छत पर on roof, why do we not walk on roof, is that clear, I hope you have got proper and definitely you are sure about tense present indefinite and that must be perfect, so guys learn this one, repeat and do your practice and do your exercise, that will be better for you, so since then we will meet in next tense next day, since then too goodbye and good night, take care of